हेलो प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे एक ही टॉपिक में। हम बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो देखने का टाइम भी नहीं होता, और हम इतना करेंगे कि 10-15 मिनट में हमें बहुत ज्यादा अच्छे से आ जाए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकरण। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो भी कर सकते हैं संकरण, या इसको हम परसंकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परसंकरण। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण या परसंकरण। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है कि जब हमारी सेम एनर्जी की, नियरली नियरली सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होके नई ऑर्बिटल बनाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, एंड द न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो नई ऑर्बिटल बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हमारी नियरली सेम एनर्जी की ऑर्बिटल मिक्स होती हैं और नई ऑर्बिटल बनाती हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होती है। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं, भाई मिक्सिंग है तो कम से कम दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक चीज तो मिक्स नहीं होती। अब 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एस और पी, एक एस ऑर्बिटल है और एक पी, तो ज्योमेट्री हमारी बनेगी लीनियर। दैट इज जो एग्जाम्पल है हमारा बी सी एल टू, बी एफ टू, और भी बहुत एग्जाम्पल है, ज्योमेट्री होगी लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये देखिए, इसमें जो ये एंगल है ये कितना है हमारा? 180 डिग्रीज। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास 3 है, दैट इज sp2, कैसे काउंट होगा? यहां पर s की कितनी ऑर्बिटल है? एक। p की कितनी ऑर्बिटल है? 1। तो टोटल कितनी हो गई? 2। ऐसे हम काउंट करते हैं, एक s की एक p की इक्वल्स टू 2। ऐसे ही यहाँ पे कैसे करेंगे? एस की कितनी ऑर्बिटल है? एक। पी की कितनी है? 2। तो एक 1 + 2 कितना हो गया? दैट इज 3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई हमारे पास 3। इसकी ज्योमेट्री होती है प्लेन ट्रायंगुलर, ऐसे बनेगी ये। एंगल होता है 120 डिग्री। ये है हमारा 120 डिग्री एंगल। एग्जाम्पल्स हैं इसके BF3, BCl3। आगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं, तो इसमें दो तरीके की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो sp3 होगा या tsp3 होगा। देखो, जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल s की है, p की 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 1 और 3 कितनी हो गई? 4 ऑर्बिटल्स। यहाँ पर भी क्या है, sd की हमारे पास एक ऑर्बिटल है, s की कितनी ऑर्बिटल है? एक, और p की कितनी है? 2। अब टोटल काउंट कर लो, 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो 4 के लिए हमारे पास दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है अगर 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं। कौन कौन सा? एक sp3 और एक dsp2। काउंट कर लो, एक s की है, p की 3 हो गई, 4। ऐसे ही g की 1 हो गई, s की 1 हो गई, p की 2, तो 2 और 2 4 ऑर्बिटल हो गई। अगर sp3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, जैसे कि CH4 में है, और इसके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। CH4 मीथेन में यही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है उसमें भी ये ज्योमेट्री है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं इसकी। अगर हमारी DSP2 हमारी किस शेप में होती है? ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स में होती है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं लाइक PtCl4, निकिल, हमारा निकिल टेट्रासाइनोनिकिलेट निकिल है, या हमारा टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके की PtCl4, ये हमारी ज्योमेट्री होगी। इसका एंगल होगा, ये सारे एंगल्स होते हैं हमारे 90 डिग्रीज के। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है 5, तो इसकी दो तरीके की ज्योमेट्री हो सकती है, या तो DSP3, एक D की एक S की 2, और P की 3, 5 हो गई, एक S की 3, P की एक D की, कितनी हो गई? 5 हो गई। या तो DSP3 की हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3d का हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमारी इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बनेगी ऐसे जैसे PCl4 में है। इसमें दो एंगल होते हैं, एक होता है हमारा ये वाला 90 डिग्रीज का, और ये होता है हमारा 120 डिग्रीज का, जैसे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड में है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं,
तो D2sp3 या sp3 D2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा और ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होगी, एंगल इसका सारा 90 डिग्री होगा, जैसे कि सल्फर हेक्सा फ्लोरेट फ्लोरीन में ये हमारे पास है। नेक्स्ट है 7 D3sp3 या sp3D2 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जैसे कि हमारा है आपका IF7, यानी कि हमारा ये ज्योमेट्री हमारी जो ये हाइड्रोजन हेप्टा फ्लोरीन है इसमें ये ज्योमेट्री होती है। हमारे पास इसमें जो एंगल है ये 72 डिग्री और 90 डिग्री का होता है, 72 डिग्री और 90 डिग्रीज का इसमें बॉन्ड एंगल होता है। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक में अगर हमें डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, जो हमारा बीएससी बीटेक और ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, इवन ये 10th और 12th बेसिस का भी टॉपिक है, वहां पे आपके ये सारी शॉर्ट ट्रिक काम आ जाएंगे। जैसे कि अगर हमें पूछ रखा हो अगर हमसे पूछा हो कि इथाइलीन या फिर एसिटिलीन, इनमें हमें बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथाइलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथाइलीन का स्ट्रक्चर होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब उसमें वो पूछ रहा है कि या तो हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, सपोज कि ये कार्बन वन है और ये कार्बन टू। अब अगर कार्बन वन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पूछ रखा है तो हम कैसे काउंट करते हैं, हम इसमें सारे सिंगल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, अगर कार्बन वन का हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ, दो, और इसमें क्या है, एक तीन, तो तीन के लिए क्या हो जाएगा हमारा sp2, एक दो तीन, भाई एक s का हो गया, p की कितनी हो गई ऑर्बिटल दो, दो और एक कितनी हो गई तीन, हमने सिग्मा बॉन्ड कितने काउंट करे थे, थ्री, दो यहाँ और एक यहाँ, तीन, सेम यहाँ पे। कार्बन टू के लिए अगर हमें चेक करना हो तो कार्बन टू के लिए भी हम क्या करेंगे, दो, इसे मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, ये हम ऐसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन का कार्बन एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो sp2 और sp उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, कार्बन वन और कार्बन टू का sp2, दो पी की ऑर्बिटल और एक s की। अब अगर हमें हमें ये पता करना हो कि ये डबल बॉन्ड है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर एक बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और इसमें हमारा एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, और अगर तीन बॉन्ड है तो इसमें हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और रेस्ट ऑफ बॉन्ड जितने भी होते हैं वो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें दो पाई बॉन्ड है, ऐसे हम काउंट कर लेते हैं। अब अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो सबसे पहले हम एसिटिलीन का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एसिटिलीन होता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम इसे और ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सपोज ये कार्बन वन है और ये है हमारा कार्बन टू, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो एक और दो, कार्बन वन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे कार्बन टू में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी एक और दो, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, अर्थात दैट इज एस और पी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, और इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, सेम ईयर एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जिनमें लोन पेयर भी हो। ये जितने भी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताए इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर किसी के पास नहीं है, जैसे कि अमोनिया की आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो अमोनिया से पूछा जाता है और वाटर से पूछा जाता है, H2O से, वाटर से और H2O से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्री अमोनिया की, इन अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 अमोनिया,
अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो NH3 है, NH3 में तीन बॉन्ड आप लगा लोगे H के, ठीक है। आप कहोगे कि एक और दो तीन सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए तो sp2 हो गई, लेकिन इसकी sp2 नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड पेयर होता है। तो शॉर्ट ट्रिक में हम अपने क्या करते हैं, लोन पेयर भी काउंट करते हैं, तो तीन ही हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो फिर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी sp3। एक दो तीन चार हो गए अभी, तो तीन पी के और एक एस के। अब हम इसे, अगर हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे जो हमारा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जो सिंगल हो। अब देखो, N अकेला है और H तीन है, तो नाइट्रोजन ले लेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर? 7। 1s2, 2s2, 2p3, 2p3 हो गया। अब देखेंगे हमारे पास इसको हम ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। ये हो गया हमारा 2s2 और ये हो गया हमारा 2p3, 1, 2 और 3। अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल में देखें, इन अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है अमोनिया मॉलिक्यूल में? 3 हाइड्रोजन। तो तीनों हाइड्रोजन हमारे पास ये क्या करते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन यहां पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, यहां यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपना देते हैं H। ये हाइड्रोजन का है और ये वाला भी हाइड्रोजन का है, और यहाँ पर हमारे पास ये एक लोन पेयर है 2s2 का। तो अगर हम देखें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1s का और 3p के, ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कौन सी होती है? अभी हमने देखा था टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। अब हमारे पास एक जगह तीन, तो ये हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर का मतलब है क्या? दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्ड बनाया हुआ है। अब एक हमारे पास ये लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यहाँ बॉन्डिंग में, ये वाला यहाँ पे है। हम इसको दिखाते कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड पेयर आया है, सॉरी लोन पेयर आया है, तो फिर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हुआ ही होगा ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री किसकी थी? इसकी sp3 के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन इस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के आने से क्या होता है कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है कितना है sp3 में? 109 डिग्री 28 मिनट का है। लेकिन एक लोन पेयर के आने से क्या होता है कि ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है और इसका बॉन्ड एंगल रह जाता है 107 डिग्री, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी VSEPR थ्योरी आएगी, VSEPR थ्योरी, इसमें हमारा बताया गया है। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो लोन पेयर और लोन पेयर है उसके बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, और फिर होता है ये रिपल्सन का ऑर्डर है हमारा। रिपल्शन का मतलब है हमारा प्रतिकर्षण, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में हमारा सबसे कम रिपल्शन होता है। यहां पर क्या है, यहां पर ये वाली वो आ रही है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से ये जो हमारा बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का, ये डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 107 डिग्री। तो इसकी अब जो शेप जो है उसमें भी तो इफेक्ट पड़ा। शेप कौन सी हो गई? शेप हो गई इसकी हमारी पिरामिडल। ठीक है, ये है हमारी अमोनिया की। अब हम सेम देख लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल में भी हम ऐसे ही देखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में देख लेते हैं, वाटर में देखेंगे H2O, वाटर जल, यही होता है जल का फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो जैसे H2O है, इसमें सेंट्रल एटम क्या है हमारा? ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। अब सेम इसके लिए भी करेंगे, ये ऑर्बिटल्स फिल करेंगे,
यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? चार, 2p4। अब हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे। इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एडअप हुए हैं? दो। तो ये दो हाइड्रोजन कहाँ पे एडअप हुए हैं? यहाँ पर। आप इसे क्रॉस से दिखा लो या डॉटेड लाइन से दिखा लो, इसका इलेक्ट्रॉन किसी से भी दिखा लो, ये आपकी मर्जी है। ऐसे नहीं है कि आप कॉपी करो, या तो डॉट से दिखाना है या फिर इसी से दिखाना है, क्रॉस से किसी में भी दिखा सकते हो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया हमारा? एक इसमें एस की है और तीन इसमें किसकी है? पी की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सेम हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ भी। तो sp3 के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए? वही टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें क्या है, ये दो बॉन्ड पेयर है और दो क्या है, इसमें लोन पेयर है। तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर होने की वजह से इसकी जो, ये हमारे दो लोन पेयर भी हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो गया, 105 डिग्री अराउंड हो गया इसका। तो क्या हुआ, जो मैंने अभी लिखा था मैं फिर से लिख देती हूँ। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो गई, बैंड हो गई, बैंट हो गई इसी ज्योमेट्री। जैसे कि लोन पेयर, वो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्सन होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। ये है हमारा क्या, VSEPR थ्योरी का रिपल्सन ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए हमारे पास, इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कहते हैं, दो लोन पेयर होने की वजह से इसका जो रिपल्सन है और ज्यादा बढ़ गया। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट के कितना रह गया, 105 डिग्री। इसीलिए इसकी जो शेप है वो कौन सी हो गई, बैंड शेप। थैंक यू बच्चों, आप लोग मेरा चैनल गेज अकेडमी सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो आपको गेज अकेडमी, मेरा चैनल गेज अकेडमी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।